Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये वाले ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। और अगर दोस्तों पसंद आ रहे हैं तो कंजूसी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आपने सब्सक्राइब करना है, आपने लाइक करना है और आपने शेयर भी करना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करें, उनके हौसला अफजाई के लिए आपको ये काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल कंजूसी की कोई गुंजाइश नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो सब्सक्राइब तो बनता है बच्चों का। बच्चों को मिलती है मोटिवेशन आपके लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लिहाजा आपने बिल्कुल भी नहीं कंजूसी करनी है, और आपने बच्चों को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और उम्मीद करती हूँ कि अब जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों को ज़रूर ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। और मैं शुरू करती हूँ अपने घर के कामों से, चलिए चलते। और दोस्तों, सबसे पहला काम ये है मेरा कि कल जो मैंने इतने ढेर सारे कपड़े धोए थे उनको मैंने तय करना है। ये देखें, बहुत सारे कपड़े हैं जिनको मुझे तय करने हैं, और मेरी मदद करेंगे दानिश। और यहाँ पे मैंने घर की सफाई कर चुकी हूँ, घर को काफ़ी सारा मैंने समेट दिया है। हमारे डैनिश शेफ आने वाले हैं जल्दी, क्योंकि उनको कहीं जाना था, उन्होंने कहा था कि मैं आज जल्दी आ जाऊँगा, तो बस वो जैसे ही आते हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ। और दोस्तों, मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए, सफाई कर दिए डैनी शेफ से पहले पहले, यानी कि डैनी भाई से। और अभी आने वाले हैं हमारे डैनी भाई। ये और आ चुके हैं। ओहो, उन कहाँ से आ गई? देवन, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या 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 हुआ? चलो चलो चलो, एक नहीं, यहाँ आओ, यहाँ देवन, यहाँ आओ, यहाँ 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 मेरी बात सुनो। देवन, आप मेरी बात सुनो, अपना रात का खाना बना लेना, अभी की चाय हमें डैनी भाई बना के दे रहे हैं, ठीक है? डैनी भाई बना के देंगे। आ जाए आप, आ जाए, नाराज नहीं हो देवन, आप नाराज हो, आप नाराज तो नहीं हो देवन, नाराज तो नहीं हो? अच्छा चलो सही, आप बैठ जाओ। देवन को हमने हटाया बड़ी मुश्किलों से, यहाँ भड्डा हो गया था। और डैनी भाई आ चुके हैं अपनी पोजीशन में, आ गए। और मैं आपको भी एप्रन वगैरह भी दे रही हूँ, ठीक है? Few moments later. डैनी भाई आ चुके हैं अपनी पोजीशन में, हमें देखती हूँ आज ये क्या बनाएंगे। और जब तक मैं अपने दूसरे कामकाज से फारिग हो जाऊँ, और ये कमरा मुझे साफ करना है, बेडशीट वगैरह साफ करनी है, मैं जल्दी अपने काम खत्म कर लूँ। और डैनी भाई को मैं देख के आ गई हूँ अपनी पोजीशन, और मैं अपने काम करती हूँ जब तक। बच्चों, तो डैनी अपने काम में लगे हुए हैं, मैं अपने काम कर रही हूँ। क्या हुआ बच्चा? मच्छर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आप क्या टीवी देखोगे बैठ के? और जेब अभी फेवरेट व्लॉग्स वगैरह देखेंगे। और पापा अपने किसी काम में लगे हैं, अभी कुर्सी रख के इन्होंने ये फानूस साफ किया पापा ने, और बस अभी सब अपने अपने कामों में लगे हैं। मैं देखूँ डैनी भाई क्या कर रहे हैं। रब में आ चुकी हूँ डैनी भाई के पास, मैं इनसे पूछती हूँ क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? अच्छा जी, दिखाएं। छोले बॉयल भी कर लिए आपने, जबरदस्त। चलें जी, अब क्या करेंगे सबसे पहले? और यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप? चाय भी रख दी इन्होंने, जबरदस्त भाई, आज तो मजे आने वाले हैं। काले छोले और हमें चाय मिलने वाली है जबरदस्त सी। कल की तरह इनकी हेल्प करा रहे हैं जोहेब, और मैं जरा से अंदर जाती हूँ, मैं एक चीज देख रहा हूँ, मैं आपको भी दिखाना है। वो ये है कि ये कमरा हमारा खाली पड़ा हुआ है, और इसको मुझे कुछ सेटिंग करनी है, और मैं चाह रही हूँ कभी के इसको जिम बना लूँ, और अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक दो दिन में मैं इस कमरे की भी कंडीशन अच्छी सी करने वाली हूँ, जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और मैं जाके देखूँ कि हमारे डैनी भाई क्या कर रहे हैं। चाय बन गई आपकी? वाह भाई, जबरदस्त। और यहाँ पे डैनी चाय बना रहे हैं, और यहाँ पे जोहेब भाई डैनी की मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं जोहेब, सबका ख्याल रखते हैं, और बहुत लविंग हैं, सबसे प्यार करने वाले हैं माशाल्लाह। और बस अभी देखते हैं डैनी क्या करते हैं। जी, जब तक मैं आई हूँ डैनी भाई ने बहुत सारा काम कर लिया है। और आपने अभी क्या किया दिखाएं? वाओ, छोले भी निकाल लिए उन्होंने।
और कट कर ली है, क्या है, हरी मिर्ची है और क्या कट किया आपने, और इन्होंने यहाँ पे प्याज को भी कट करके रख लिया है और धनिया को भी कट करा, और क्या जाएगा इसके अंदर, चाट मसाला, और क्या जाने वाला है, क्या आइए क्या जाने वाला है इसमें, और हरी मिर्च सही, और धनिया सही है, और प्याज भी जाएगा इसके अंदर, ओके, और नमक भी जाएगा, यानी कि नमक। चलें ठीक है, रेडी करो सबको। और अब सबसे पहले क्या करोगे आप, ठीक है, छोले डालोगे, और बहुत अच्छे शेफ हैं, इन्होंने हर चीज़ पहले से रेडी कर दी है, और अब ये बना रहे हैं काले छोलों की चाट, जो कि घर वालों को हमारे पसंद है, और आज देखते हैं ये कैसे बनाते हैं, मैं भी कुछ इसी तरीके की बनाती हूँ। तैयारी कर रहे हैं डैनी, डैनी भाई हमारी तैयारी कर रहे हैं सबको देने के लिए अच्छे तरीके से। हाँ ये अच्छा करें, जिसको और चाहिए होगा वो ले लेगा, ठीक है, गुड। डैनी भाई आज बहुत मजे के छोले बनाने वाले हैं, मुझे लग रहा है बहुत ध्यान से काम हो रहा है डैनी भाई का, और काम के दौरान ये बिल्कुल बात बात नहीं करते। अब डाल रहे हैं धनिया, और बन चुके हैं डैनी भाई छोले हमारे, चले ठीक है। और मलिक साहब को बुलाओ ताकि वो भी खाए आके, मलिक साहब को बुलाओ, डैनी भाई ने आज बनाए हैं छोले बहुत मजे के, आवाज़ कैसे बने, ओए नींबू और चाट मसाला नहीं है, और ये भूल गए थे इन्होंने काट के यहाँ पे रखा हुआ था, रखना भूल गए थे, ये कैसे बनाए डैनी भाई ने, कैसे बनाए छोले बताए, डैनी भाई अच्छा खाना बनाया करें, सफाई से बनाया करें, वरना मसला यही आ जाएगा कि फिर हमें कोई और देखना पड़ जाएगा। पास हो गए डैनी भाई, वो जैबुन चाहती है कि मैं सारे काम करूं, इसको क्यों बुलाया, जैबुन नाराज़ होगी हमसे, पता है आपको, नहीं वो उस कमरे में बैठ के रो रही है, आपको पता है जैबुन, अभी मुझे मनाना पड़ेगा जाके, मैं चाह रही थी डैनी हमें खाना वाना दे दें, तो मैं फिर जैबुन को मनाती हूँ, और अभी डैनी भाई हमें चाय भी दे दें और डैनी भाई चले जाएंगे, डैनी भाई को जल्दी जाना है, बहुत ज़रूरी शादी पर जाना है उनको, किसकी शादी है बताओ, और डैनी भाई अब निकालेंगे चाय, और डैनी भाई ने चाय दे दी है पापा को, अब मेरी चाय लेके जा रही है। डैनी भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मजेदार हम लोगों को छोले खिलाए, बहुत तेज हो रहा है और आपको जल्दी जाना है शादी में, तो आप जाएं इंशाल्लाह, फिर हम लोग कल मिलते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। One hour later.
और दोस्तों अभी मैं निकली थी ज़ेब की शेप कराने के लिए और मुझे नजर आया खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ना खूबसूरत जवान निकला हुआ है। अब बस अभी हम लोग जा रहे हैं और ज़ेबू खड़ा हुआ है, ज़ेबू की शेप बढ़ गई है लिहाजा हम लोग इसकी जल्दी से शेप वेप करवाते हैं और फिर हम लोग आते हैं। तो अभी तक तो बारिश का कोई इम्कान है नहीं है, मगर न्यूज़ में आ रहा है कि रावलपिंडी में बारिश है और हो सकता है कि थोड़ी देर में बादल आए और बारिश हो जाए। यहाँ पर मौसम का कुछ पता नहीं चल बदलते हुए। बस अभी मैं निकली हूँ ज़ुहैब की शेव कराने के लिए ताकि माशाल्लाह मेरा बेटा स्मार्टी लगे, शेव बढ़ती है तो बच्चे बीमार बीमार लगते हैं। तो बस अभी हम लोग निकले हैं ज़ुहैब की शेव के लिए। और तो रात के डिनर में यहाँ पे बन रहा है पुलाव और बस थोड़ी सी देर रह गई है, अभी रेडी हो जाएगा हमारा पुलाव और पुलाव के साथ मैंने बनाया है रायता। और यहाँ पे मैंने काटी है प्याज क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है और उसके साथ मैंने बनाया रायता जो कि बहुत टेस्टी लगने वाला है और जैसे ही रेडी होता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और खुशबुओं वाला पुलाव हमारा तैयार हो चुका है और बस अभी हम लोग रात का डिनर खाने वाले हैं। और घर के पुलाव की तो बात ही अलग होती है, आप सब लोग जानते हैं बहुत मज़ेदार बना है ये। बस अभी बच्चे बैठ चुके हैं और बस अभी हम लोग खाने वाले हैं। Few moments later. दोस्तों मैंने शेफ डैनी के चक्कर में ज़ेबुन को नाराज़ कर दिया और ओ माय गॉड ज़ेबुन तो यहाँ पे लेटी हुई है और मुझे इसको मनाना है क्योंकि ये नाराज़ हो चुकी है और बहुत देर से यहाँ लेटी हुई है। आप क्या कर रहे हो ज़ेबुन यहाँ पे? ज़ेबुन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या हुआ? रो रही हो तुम? क्यों? किसके सामने बेइज्जती की मैंने? डैनी के सामने? देखो मेरी बात सुनो, वो हमारे घर खाना बनाने आता है, वो हमारा शेफ है, हमारा कुक है। आप तो घर के बंदी हो ना, आप थोड़ी खाना पकाओगी। हाँ नहीं आप नहीं पकाओगी खाना? अच्छा उठ के बैठो एक मिनट उठो तो मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो ज़ेबुन, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। देखो तुम ना मुझसे नाराज नहीं हो, ठीक है? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, फिर क्यों नाराज हो रही हो? तुम अच्छी बच्ची हो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। कौन मजाक उड़ाता है? कोई मजाक नहीं उड़ाता। आप तो बहुत अच्छी बच्ची हो ना, कल आप काम करना, ठीक है? जो भी आप बोलोगे मैं आपसे कराऊंगी, ठीक है? अब सही हो, हाथ मिलाओ मुझसे, कोई मजाक नहीं उड़ाता। दोस्ती है अब तो नहीं नाराज? चलो ठीक है, अपने दोस्तों को बोल दो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है ताकि बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाएं।